नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज हम प्रिंस गोट फार्म पर है ना, ये कड़ेल में है। इनके जो फार्म के जो ओनर हैं ये हैं बीकम भाई जी। हम इनसे जानेंगे कि ये कितने सालों से बकरी पालन कर रहे हैं और इनकी जो खूबसूरत बकरियाँ हैं इसका क्या राज है, और आप अगर आप नया फार्म शुरू करना चाहते हैं तो ऐसी बकरियाँ क्या कीमत पर मिलने वाली हैं, कितना समय लग जाता है इनको तैयार करने पे, और जब ये तैयार हो जाती हैं तो मार्केट में इनकी प्राइस क्या बनती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बहुत पुराना है, बहुत सालों से बकरी पालन कर रहे हैं, तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। तो सर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका। मैं अपन कहाँ पर खड़े हैं पहले ये थोड़ा सा बता दीजिए। अपन कड़ेल गाँव में खड़े हैं। जी जी, अपने गोट फार्म का नाम क्या है सर? प्रिंस गोट फार्म। प्रिंस गोट फार्म। आज क्या दिखा रहे हैं सर हमको? आज सिरोही बकरी दिखा रहे हैं। सिरोही बकरी सर, तो क्या उम्र की बकरियां हैं अपनी ये थोड़ा सा बताते जाइए। ये जो बकरी है ना, ये चार दांत में बकरी है। चार दांत में। हाँ जी। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपको काफी एक्सपीरियंस लगते हैं मुझे। बकरी जब दांत करना शुरू करती है उसकी उम्र क्या होती है सर? साल भर की होती है। साल भर की? एक साल की होती है। तब वो दांत तोड़ना शुरू कर देती है? पहला दांत 13 महीने होती है, दांत तोड़ने चालू हो जाती है, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि दांत बकरियां कब बनाना शुरू करती हैं। जैसे दो दांत की बकरी है तो उसकी उम्र लगभग कितनी रहती है? 12 महीने की। 12 महीने की। और चार दांत में फिर कब कितने दिन में चार दांत कर लेती है वो? 24 महीने, 2 साल में कर लेती है। 2 साल में, है ना? ये दो दांत से चार दांत बना लेती है। चलिए, जैसे अगर ये जो पार्ट बकरी दिख रही है मुझे, ये पट है सर, ये 6-7 महीने की है। 6-7 महीने। क्या इसका बॉडी वेट होगा? इसकी 12 महीना होगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी। अब इसका 25-30 किलो एवरेज है। हाँ। ये दांत करेगी तो हो जाएगी 40 किलो एवरेज। 40 किलो एवरेज में आ जाएगी। हाँ। अभी कितना वजन होगा ये अभी? इसमें होगा अभी 25 से 30 किलो का। 25 से 30 किलो। मान लीजिए कोई भी किसान भाई अगर आपको 25 से 30 किलो का ऑर्डर देता है बाहर से कहीं से, तो क्या रेट रखेंगे सर उसका? 230 रुपए फीमेल का। हाँ जी। चलिए मुझे 230 वाली कुछ और बकरियां दिखाइए जो है ना। कुछ मुझे इसमें बच्चे वाली भी दिख रही हैं, जैसे ये बच्चे वाली बकरी है। ये इतना बड़ा बच्चा इसका दूध पी रहा है सर। तो ये बच्चे वाली बकरियां क्या कीमत पे बैठेंगी? 260। उसमें बच्चे भी हैं कि मतलब बच्चा भी साथ आएगा, बच्चा के वेट भी आएगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि किसान भाई जो बकरियां लेते हैं, कोई किसान उन्हें बच्चे के साथ में देता है, कोई उन्हें बच्चे अलग करके देता है, तो आप किस तरीके से दे रहे हैं? बच्चे तो साथ में तौल के देंगे? 15 दिन का बच्चा होता है तो उसका वेट नहीं होता है। हाँ जी। अच्छा, 15-20 दिन का बच्चा बड़ा होने का सबका बकरी साथ में वेट होता है। अच्छा, बड़े होने के बाद उसका वेट होता है। उसका वेट होता है। तो किसान भाई इस बात का जरूर ख्याल रखें कि अगर मान लीजिए आप बच्चे वाली बकरियां ले रहे हैं तो किस उम्र की बकरियां ले रहे हैं, अगर वो ताजी ब्याई हुई बकरी है तो उसका फिर है ना। छोटा बच्चा का वेट 10-15 दिन का बच्चा था उसका वेट नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा होता तो उसका वेट बकरी के साथ में वेट होता है। जी जी। सर मैं जैसे ये बकरा है, ये जो बकरा है ये क्या उम्र पे होगा? ये 2 दांत का बकरा होगा। ये 2 दांत हो चुका है? हाँ जी, 2 दांत हो गया। ये देखिए 2 दांत इसने कर लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत बकरा लग रहा है ये। इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा सर? बॉडी का क्या क्या वेट होगा इसका? इसका अब 35 किलो वजन होगा। 35 किलो। ऐसे अगर कोई आपसे अगर ब्रीडर लेना चाहता है, जो तैयार करना चाहता है, तो मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्या रेट लगाएंगे सर उसका? 250 रुपए। आप मुझे ये बता दीजिए, ज्यादातर जो हमारे व्यूवर्स हमसे जुड़ते हैं, जो देखने वाले हैं, वो राजस्थान के बाहर से बिलोंग करते हैं। हाँ। है ना? तो अगर वहां से कोई आता है राजस्थान के बाहर से, तो आप कम से कम कितने पीस का ऑर्डर लेते हैं? जितने आप मांग करते हो, 50 लेनी है, 20 लेनी है। हाँ, कम से कम मतलब 20 अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं। हाँ, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, सब ऑर्डर पर दे सकते हैं। जी जी। चलिए मुझे एक आध और बकरियां दिखाई, जैसे ये है, इनमें सर मिल्किंग कैपेसिटी कितनी होती है, दूध कितना देती हैं ये बकरियां? दूध देती है ये बकरी है भी, ये दूध हाँ। देती है। हाँ। एक लीटर दूध देती है। 1 लीटर, 1.5 लीटर देती है, कोई 1 लीटर देती है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे किसानों ने मेरे से सवाल किया था सिरोही को लेकर कि सर दूध का क्या है। ये 4 दांत बकरी है। 4 दांत है।
मतलब ये पहली बार बच्चा दी हुई है कि दूसरी बार? पहली बार बच्चा दी हुई। पहली बार बच्चा दी हुई। और जैसे ये बकरी है, इसका दूध क्या होगा सर? ये थोड़ा सा, ये दिनों में 3-4 ब्याता में ही है, 4 ब्यात में है। और कितना दूध होगा इसमें? इसका 1.5 किलो दूध होगा। 1.5 किलो दूध, क्योंकि अब आप तो बहुत सालों से बकरी पालन कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जो सिरोही नस्ल है इसमें कितना दूध मिलता है? आप तो प्रैक्टिकली करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2-3 किलो तक निकलता है। 1 किलो निकलता है, कोई 1.5 किलो निकल जाता है, कोई अच्छी बकरी होती है 2 किलो निकल जाता है। मतलब सभी बकरियों में एक एवरेज अगर हम लगा लें तो 1 से 1.5 किलो ही दूध रहता है, है ना? और इनमें से अगर कोई अगर अलग बकरी है वो आपको अच्छा मिल सकती है। तो सर मैं एक बार, आप मुझे यहाँ पर आ जाइए और रेट के बारे में बताइए। जैसे कि मान लीजिए ये बकरी है, है ना, इसका क्या रेट बैठेगा? ये बकरी 230 में पड़ेगी आपको, 230 रुपए में। किसान भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें, इनका हम ब्रीड, हम इनका ब्रीडर भी देखेंगे। सर वो ब्रीडर एक बार दिखाइए, अगर ऐसे ब्रीडर की कोई डिमांड करता है तो क्या कीमत बैठेगी इसकी? ये ब्रीडर बढ़ेगा आपको 300 रुपए के जी। 300 रुपए के जी? 300 रुपए के जी के हिसाब से। क्या उम्र होगी सर इसकी? ये हो गया 2 साल का। 2 साल का मतलब 4 दांत इसने कर लिए। दांत दिखा दीजिए एक बार। जी जी जी, बहुत खूबसूरत बकरा है सर। ये बिल्डर है सर? हाँ हाँ। मैं ये ब्रीडर के हिसाब से एक चीज और जानना चाहूंगा कि बकरियां कब क्रॉस करानी चाहिए हमें, है ना? कब ब्रीडर, जब कितनी उम्र का हो जाता है उससे हमें क्रॉस कराना चाहिए? साल भर के बाद। साल भर के बाद ही, मतलब 2 दांत का या दांत हो जाता है, ज्यादा बाद में ब्रीडर बकरी क्रॉस करो तभी अपन को फायदा सही होता है, है ना? और कितने उस, जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए किसी के पास 20 बकरियां हैं, 20 बकरियां रखे हुए है, उसमें कितनी ब्रीडर रखने चाहिए उसको? एक ब्रीडर बहुत है, 1-2 रखना चाहिए। मतलब 20 में 2 रखने चाहिए, एक छोटा एक बड़ा। एक छोटा और एक बड़ा। और कितने समय में उसे बदल देना चाहिए हमें? उसको 6 दांत हो जाए बदलना चाहिए। 6 दांत के बाद उसे बदलना चाहिए, बदल देना चाहिए। किसान दोस्तों इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, 6 दांत बाद में बदलना चाहिए, है ना? मतलब अगर उसे हम 2 बार क्रॉस करा चुके हैं, 2 से 3 बार, तो फिर उसे बदल देना चाहिए ताकि जो हमारी ब्रीड है वो सुरक्षित रही जाए, है ना? तो किसान दोस्तों आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद जरूर आया होगा। मैं इनकी एक बार बकरियाँ जरूर दिखाना चाहूँगा आपको। और सर का जैसा कहना था कि सारी की सारी जो बकरियाँ हैं वो बढ़िया क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी, सर का ये भी कहना है। और ये बुजुर्ग हैं, ये भी कह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ किसान जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फार्म पर आएँ, हमसे मिलें और मिलकर ही हमसे सौदा करें, देख कर सौदा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आशा करता हूँ ये जो जानकारी थी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत ही खूबसूरत बकरियां हैं इनकी। थैंक यू वेरी मच।